हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू योर चैनल राजतंत्र फिटनेस। सो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो मैं आपको कुछ गुड फैट सोर्सेज बताऊंगा, जिसे यदि आप खाते हो तो आपको मसल बिल्डिंग, बल्किंग, कटिंग, फैट लॉस, वेट गेन, ये सब में बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। लोग अक्सर फैट्स को बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट करते हैं। फैट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी। प्रोटीन पर ध्यान देते, कार्ब्स पर ध्यान देते, लेकिन फैट्स पर नहीं देते। सो इस वीडियो में आपको इंडियन देसी कुछ फैट सोर्सेज बोलूँगा, जिसे यदि आप कंज्यूम करते हैं फ्रेंड्स तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड नोटिफिकेशन बेल को जरूर करना। उससे क्या होगा, आपको मेरे फर्दर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन जरूर मिल जाएगा। फ्रेंड्स, फैट्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं गुड फैट्स और एक होते हैं बैड फैट्स। गुड फैट्स हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, एंड गुड फैट्स को हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड फैट्स, एंड बैड फैट्स को हम लोग अनसैचुरेटेड फैट्स कहते हैं। जब आप बाहर में जंक फूड्स खाते हो, ये समोसा, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, तो ये सब जब खाते हो तो आपका बॉडी में वेट गेन होता अनहेल्दी वे से, जो आपके बॉडी के लिए बिल्कुल सही नहीं है। एंड इस तरह के फूड्स को हमें अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज इस तरह के फूड्स जब हम लोग खाते हैं तो हम लोग बीमारियों को बुलावा दे रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, फैट्स आपके बॉडी में बहुत ज़रूरी है। तो फैट्स हम लोग किस तरह के फैट्स कंज्यूम करना चाहिए, वो गुड फैट्स। गुड फैट्स हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, आपके ब्रेन, हार्ट, इन मसल बिल्डिंग, वेट गेन, फैट लॉस के लिए भी गुड फैट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जितना इंपॉर्टेंट रोल आपका प्रोटीन का है, कार्ब्स का है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे विटामिन मिनरल्स का है, उतना ही ज़्यादा रोल फैट्स का है। तो फैट्स को आपको बिल्कुल नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। तो गुड फैट्स का सोर्सेस क्या है, यही मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो मैं आपको देसी कुछ इंडियन गुड फैट्स का सोर्सेज बताऊंगा, जिसे आपको अपने डाइट में रेगुलर लेना चाहिए, एंड इसमें आपको गुड कैलोरीज मिलता है। यदि आप वेट गेन करना चाहते हो तो इस यही सब फैट्स से आपको गुड कैलोरीज मिलता है। 1 ग्राम ऑफ फैट में 9 कैलोरीज मिलता है, जो आपको कैलोरिक सरप्लस में जाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, साथ ही साथ मसल बिल्डिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। एंड फ्रेंड्स, अब बात करते हैं, जब आप कटिंग करते हो, फैट लॉस करते हो, तो जब आप गुड फैट्स बाहर से ले रहे हो तो आपका बॉडी ये सोचता है कि अरे मुझे तो बाहर से फैट मिल रहा है, तो मैं अपने बॉडी के अंदर स्टोर्ड फैट को रख के क्या करूं। तब बॉडी क्या करता है, फैट बर्न करता है। तो गुड फैट्स इतना ज़्यादा जरूरी है, चाहे मसल बिल्ड कर रहे हो, चाहे कटिंग कर रहे हो, चाहे बल्किंग कर रहे हो, गुड फैट्स को कभी अपने डाइट से मत हटाना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो मैं आपको बताऊंगा अब कि क्या क्या गुड फैट का सोर्सेस है, जो आपके घर में इजीली अवेलेबल है एंड जो आप खा सकते हो। मैं आपको बहुत हाईफाई ऐसा कुछ चीज़ नहीं बताऊंगा जिसे आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे या नहीं खाते हो एंड मार्केट में इजीली अवेलेबल है। तो सबसे पहला चीज़ है एग्स। एग्स के यदि होल खाते हो, पूरा एग वाइट के साथ जो अंदर की योक रहता है, उसमें गुड फैट्स रहता है, नॉट बैड फैट्स, एंड वो आपके बॉडी के लिए जरूरी है। बहुत सारे लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं कि यदि मैं एक योक्स खाता हूँ तो उसमें कोलेस्ट्रॉल रहता है। फ्रेंड्स, उसमें गुड कोलेस्ट्रॉल रहता है, वो आपके बॉडी के लिए सही है, एंड गुड कोलेस्ट्रॉल आपके बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाने में हेल्प करता है। तो आप यदि पूरा होल एग्स खाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद आता है मिल्क। मिल्क हर किसी के घर में अवेलेबल है, तो मिल्क ज़रूर खाएं, इसमें गुड फैट्स रहता है। फिश खाएं, फिश में जो फैटी फिश होता है उसमें गुड फैट्स रहता है, तो फिश को ज़रूर खाना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, एंड आपके ब्रेन, आपके हार्ट, आपके जॉइंट हेल्थ के लिए ज़रूरी है, एंड इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी रहते हैं, जो आपके बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके साथ साथ वॉलनट्स, नट्स, ऑलिव ऑयल, पीनट बटर, आलमंड्स, ये सब चीज़ों का ज़रूर सेवन करें, इनमें भी गुड फैट्स रहता है। तो इतने सारे फैट सोर्सेस हैं जो आप रेगुलर अपने डाइट पर लेते हैं। साथ ही साथ फ्लैक्स सीड्स हैं, इसे भी कंज्यूम करना, मार्केट में इजीली। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको जितना भी फैट सोर्सेस बताया वो मार्केट में इजीली अवेलेबल है एंड बहुत ज़्यादा सस्ता है, इसीलिए मैंने आपको ये चीज़ बताया। एंड प्लीज़ यार, मेरे वीडियोस को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड यार जिन फैट सोर्सेस को मैंने बताया उसे अपने डाइट में ज़रूर कंज्यूम करना यार, ये आपके बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, एंड लोग इसे बहुत नेगलेक्ट करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप फैट्स को अपने डाइट में ज़रूर इंक्लूड करना। एंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल दिस, बाय, टेक केयर।